प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम हमारी 10वीं जमात के साइंस की किताब का सबक नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला सेशन है। सबक का नाम है रोशनी का इनेकास और इनेताफ। अब देखो, इसका गुजराती नाम है प्रकाश नु प्रावर्तन अने वक्री भवन। यहाँ एक गलती हुई है, प्रकाश लिखा है सिर्फ, वहाँ प्रकाश नु आएगा। तो इस तरीके से अब ये सबक में आपको जाहिर सी बात है कि सबक के नाम पे से ही पता चल रहा है कि हम लोग कुछ ना कुछ, रोशनी तो हम सबको पता ही है और इनेकास और इनेताफ भी हम 9वीं जमात में और 8वीं जमात में थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम हासिल कर चुके हैं। लेकिन आज हम एग्ज़िट इसके बारे में मालूम हासिल करेंगे कि आखिर ये रोशनी आती है तो किस तरीके से आती है। अब रोशनी तो पता है हमें, पूरी दुनिया मुनव्वर हो जाती है रोशनी के ज़रिए। सुबह हम उठते हैं तो देखते हैं कि एक सूरज निकलता है और जहाँ जहाँ हमारी नज़र पड़ती है वहाँ वहाँ हमें रोशन सुबह नज़र आती है। तो इसी तरीके से हमारे जहन में कई सवालात उठते होंगे कि ये रोशनी एक सूरज है लेकिन ये कैसे इतनी सारी चीज़ों को एक साथ रोशन कर देता है। जबकि अगर हम हमारे कमरे की लाइट की बात करें तो हमारे कमरे के अंदर मौजूद लाइट सिर्फ एक ही कमरे तक रोशनी पहुंचा सकती है। तो हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में सीखेंगे। तो ये लेसन बहुत अहम है बेटा आप लोगों के लिए। ये सेकंड जो एग्ज़ाम होने वाली है आपकी साइंस की, उसमें भी इसके बारे में पूछा जाएगा। तो आप बराए मेहरबानी वीडियोस मुकम्मल देखें और इसके लेसन की पढ़ाई करें। अब देखो, यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई है कि हम हमारे आसपास तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट को इसलिए देखते हैं कि उनके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि पड़ती है लाइट, है ना। हमारे माहौल के अंदर रोशनी जो है वो एक बहुत फ़ायदेमंद जुज़्व है, यानी बहुत अहम तरीन जुज़्व है हमारा। हम इस रंगीन दुनिया को रोशनी की वजह से ही देख पाते हैं। हम देखते ना कि जहाँ देखो हमें हर चीज़ रंग बिरंगी नज़र आती है, हर चीज़ का जो एग्जैक्ट रंग है वो हमें नज़र आता है। 10-15 मिनट सिर्फ या 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो तो कैसा महसूस होगा, हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। तो हम ये दुनिया जो है, ये दुनिया को मुकम्मल तौर पर रोशनी के ज़रिए ही देख पाते हैं। हम अपना चेहरा आईने में देख पाते हैं, सिनेमा हॉल टीवी पर हरकत करती हुई तस्वीरें देख पाते हैं, ये सब रोशनी की वजह से मुमकिन होता है। तो इसी तरीके से कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो सूरज है, जैसे मोमबत्ती है, लाइट बल्ब है, ये अपनी खुद की लाइट बनाते हैं और ये अपनी खुद की रोशनी बनाते हैं और ये खुद रोशन होने वाले हैं। अब दो चीज़ें हैं लाइट रिफ्लेक्शन में, एक है कि वो कैसे खुद रोशन होंगी और यानी खुद अपनी लाइट से वो दूसरों को रोशन कर देते हैं, और दूसरी चीज़ें ऐसी है जो रोशन तो नहीं होती है खुद से, लेकिन उसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो रोशनी पड़ने के बाद वो उसका इनेताफ यानी टकराकर उसको वापस करने का अमल करती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सूरज का रोशनी का अहम मरकज़ ये लाइट है। देखो ये लाइट है, अब ये लाइट से जो रोशनी पड़ रही है वो उसके आसपास, जैसे कि यहाँ पे सोफे पे पड़ रही है, टेबल पर पड़ रही है, दीवार पर पड़ रही है, तो ये जो रोशनी यहाँ से आ रही है बल्ब के ज़रिए, तो वो रोशनी जो हो रही है यहाँ पर उसका इनेकास हो रहा है, यानी वो कुछ चीज़ों पर पड़ रही है। तो जब ये चीज़ों पर इनेकास होंगी तो इनेकास होने के बाद ये जो चीज़ें बेजान सी रखी गई है, जैसे कि ये सोफ़ा रखा गया है, ये टेबल है, फ्लावर पॉट है, ये सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी पड़कर वापस मुड़ रही है, यानी जो यहाँ से पड़ने रोशनी यहाँ से इनेकास हुई, इनेकास होने के बाद वो इन चीज़ों पर पड़ी, और इन चीज़ों के बाद पड़ने के बाद जब वो दूसरी चीज़ों पर पड़ती है तो ये इनेताफ होने का अमल कहलाता है। तो इस तरीके से रोशनी का इनेकास और इनेताफ, इनेकास का मतलब कि रोशनी के जो ज़राए है, सबसे अहम तरीन रोशनी का ज़राया सूरज है, सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है और पड़ने के बाद वो बरकी मिकनातीसी लहरों में तकसीम हो जाती है, यानी सूरज की रोशनी, सूरज जैसे ही रोशन होता है तो सूरज की रोशनी की लहरें ज़मीन पर आने के वक्त वो बरकी मिकनातीसी लहरों में कन्वर्ट यानी तब्दील हो जाती है, तरसील हो जाती है, और जब उसको वास्ते की ज़रूरत पड़ती है तो जहाँ जहाँ उसे वास्ता मिलता है वहाँ वहाँ पढ़कर वो रिफ्लेक्ट होती, यानी पढ़कर वापस मुड़ने का अमल। जैसे कि यहाँ पर एक लाइट के ज़रिए मैं समझा रही हूँ कि लाइट जो है रोशनी का ज़रिया है। अब लाइट के अंदर से ये रोशनी धीरे 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 सीधी सिमत में नीचे किस पर पड़ी, टेबल पर। अब टेबल पर पड़ने के बाद ये रोशनी यहाँ से
जो है वापस मुड़ गई दूसरी सिमत में, यानी यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर आने का अमल जो हुआ, जो ये इनेताफ का अमल हुआ, यहाँ से सीधा पढ़ना इनेकास का अमल, फिर यहाँ से उठकर जाना इनेताफ का अमल। तो ये रोशनी का इनेकास और इनेताफ है। तो अब ये जो रोशनी का जो मज़हर है, तो ये फितरत में पाए जाने वाले चंद अहम मज़ाहिर है, जैसे जिसकी तस्वीर हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से रोशनी जो है अपनी जगह बनाती है, और जगह बनाने के बाद रोशनी ज़मीन के ऊपर हर हर वो चीज़ पर पड़ती है, और पड़ने के बाद उसको जो वास्ते की ज़रूरत होती है वो वास्ते से पढ़कर, जब अगर उसके अंदर से रोशनी पास नहीं हो सकती यानी गुजर नहीं सकती, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी इनेकास हो जाती है, दूसरी सिमत में रोशनी की किरणें मुड़ जाती है। अब खला में रोशनी की चाल, अगर कोई सवाल आता है MCQs में कि जो हमारा खला है, यानी जो हमारा आसपास का जो खला का मंज़र है जिससे हम दूसरी चीज़ों को साफ़ तरीके से देख पाते, तो वो खला में रोशनी की चाल यानी रोशनी के आने की सिमत जो है वो कितनी है, तो 3×10⁸ कुवत फी सेकंड है। क्या है? 3×10⁸ कुवत मीटर फी सेकंड होती है। ये सवाल याद रखना कि रोशनी की खला में चाल यानी रोशनी के आने की सिमत जो है खला में, यानी सूरज से लेकर ज़मीन के अंदर जहाँ जहाँ जिस चीज़ पर आती है, तो वो कितनी रफ्तार से आती है, उसकी चाल कितनी है, तो उसकी चाल 3×10⁸ कुवत मीटर फी सेकंड है। तो ये आपको याद रखना है कि सवाल आता है कि रोशनी की खला में चाल कितनी है, कितनी उसकी सिमत है, तो ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए गए थे 3×10⁸ फी मीटर सेकंड, तो ये लिख सकते हैं आप लोग, ये जवाब सही रहेगा। अब देखो प्रकाशनु प्रावर्तन, रोशनी का इनेकास। अब इनेकास की कुछ मानी बताए हैं यहाँ पर कि अक्स, हम जानते हैं अक्स यानी साया जो पड़ता है वो उलट, अक्स पढ़ने का जो अमल होता है वो इनेकास कहलाता है। अब उसकी तारीफ यहाँ शॉर्ट में बनाई हुई है कि रोशनी का किसी चीज़ से टकराकर वापस लौटना और अक्स पैदा करना, तो ये इनेकास हो गया कि पढ़कर वापस लौटने का अमल, यानी रोशनी किसी चीज़ पर पड़ी और पढ़ने के बाद वापस टकराकर वापस आई। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर के अंदर, हमारे घर में पहले जैसे ही हम एंटर हुए तो बहुत अंधेरा है, अब हमारा सीधा हाथ कहाँ पड़ता है? स्विच बोर्ड पर। हम फटाफट सारे स्विच एक साथ ऑन कर देते हैं, अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अब जैसे ही हमारा लाइट ऑन होता है तो हमारे आसपास की चीज़ों पर फटाफट रोशनी जो है वो पड़ना शुरू होती है। एक वक्त में तमाम घर हमें रोशन दिखाई देता है, तमाम कमरा हमें रोशन दिखाई देता है। तो ये क्या, कैसा अमल हुआ? ये अमल ऐसा हुआ कि जैसे ही लाइट ऑन हुआ और लाइट की रोशनी सीधी सिमत पर जिस जिस चीज़ों पर पड़ी, वो चीज़ों ने उस रोशनी को पलटा दिया। अब पलटाने के बाद क्या हुआ कि तमाम जो चीज़ें थी कमरे की वो हमें एक साथ मुनव्वर होती दिखाई दी। तो ये क्या था? प्रकाशनु प्रावर्तन यानी रोशनी का इनेकास। तो इस तरीके से रोशनी का इनेकास की सादी तारीफ बताई है मैंने, जो आपको आसान तरीके से समझ में आए। अब देखो यहाँ पर मज़ाहिर इनेकास, जैसे कुछ कुदरती मज़ाहिर दिए गए हैं, तो इसका क्या है कि फितरत में पाए जाने वाले चंद मज़ाहिर की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये कुछ तस्वीर यहाँ मैंने रखी है कि देख रहे हैं, जैसे फूल है। अब फूल सूरज की रोशनी, तो जब सूरज की रोशनी फूलों पर पड़ती है तो क्या होता है, वो मुनाकिस होकर हमारी आँखों की तरफ आती है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं फूलों को देख रहे हैं, तो हम सिर्फ ये सोचते कि अरे वाह बहुत खूबसूरत फूल है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि सूरज की रोशनी उस फूलों पर पड़ी और वो फूलों पर पड़ने वाली रोशनी हमारी आँखों की तरफ आई, हमारी आँखों की सिमत में आई, और हमारी आँखों को फिर फूल देखने का एहसास हुआ कि हाँ हम फूल को देख रहे हैं। तो ये भी एक इनेकास का फितरी अमल है, फितरी मज़हर भी कहेंगे और अमल भी कहेंगे। और दाएं तरफ सूरज का अक्स हमें पानी में नज़र आता है, यानी समंदर के किनारे पर गए, शाम हो गई, तो हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी, सूरज का अक्स बहुत खूबसूरत तरीके से हमारी आँखों को दिलकश महसूस होता है। तो ये भी कौन सा अमल हुआ? ये भी इनेकास का अमल हुआ। इस तरीके से सीढ़ी के ऊपर रंग बिरंगी जो चमक नज़र आती है, वो रंग बिरंगी चमक जो है वो भी एक तरीके का कुदरती मज़हर है जिसे हम देख पाते हैं। फिर इसी तरीके से कौसे कज़ा का बनना भी सूरज की रोशनी में मौजूद इनेकास की वजह से, और खला के अंदर, यानी जो खला, आप खला कैसे समझाना, जैसे आसमान से लेकर ज़मीन के बीच में हम जो चीज़ों को सही और साफ तरीके से देख पाते हैं,
वो खला है। यानी अब जैसे कि मेरे सामने कुछ चीज़ आ गई तो मेरे सामने मेरा हाथ ही दिखाई देगा। जैसे मैंने हाथ रख लिया अपने चेहरे पे तो मुझे हाथ, तो मैं अपनी आँखों से जो चीज़ को बिल्कुल साफ तरीके से देख पाती हूँ उसके बीच में कुछ भी नहीं होता है, तो वो कुछ नहीं होने का जो अमल होता है वो खला का अमल होता है, यानी खला है। तो हमारे आस पास के अंदर जितने भी मज़हर होते हैं खला के अंदर, तो सूरज की रोशनी की वजह से हम तमाम चीज़ों के अक्स को बआसानी देख सकते है। तो ये फितरी मज़हर कहलाएंगे। जो खूबसूरत मज़हर हमें सूरज की रोशनी का समंदर पे देखने मिलता है, फूलों पे देखने मिलता है, या फिर कौसे कज़ा के ऊपर जो हमें मंज़र देखने के लिए मिलता है, ये कुदरती मज़हर कहलाता है। और रोशनी के इनेकास के तहत ये कुदरती मज़हर है। अब लेकिन अब आगे जो हम देखने जाएंगे तो वो उसके कवानीन होते हैं कि रोशनी के जो कवानीन है वो किस तरीके से है। देखो यहाँ पर जैसे दिया गया है एक स्लाइड के ऊपर एक बल्ब, ये बल्ब है ना, ये बल्ब है। अब बल्ब का स्विच यहाँ से मैंने ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते ही ये बल्ब रोशन हुआ, हुआ रोशन। अब रोशन होने के बाद क्या हो रहा है कि इसकी रोशनी जो है वो सीधी 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 यहाँ पर क्या हो रही है, सीधी सीधी यहाँ पर इनेकास हुई, इनेकास हो गई। अब नीचे जो ये दिख रही है ज़मीन, ये जो ज़मीन दिख रही है, ये ज़मीन जो है ये रोशनी को इनेकास का जो है एक पुख्ता मज़र नहीं है, ये रोशनी को अपनी तरफ लेकर इसको रिफ्लेक्ट यानी वापस कर रही। तो ये वापस करने की वजह से क्या हुआ, रोशनी सीधी सिमत में, रोशनी हमेशा ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है, और सफ़र करने के बाद यहाँ पर रोशनी टकरा कर वापस पलट जाती है। तो ये क्या हुआ, इनेकास और इनेताफ का अमल हुआ। तो इसी तरीके से कुछ ही सेकंडों के दरमियान हमें हमारे आसपास की तमाम चीज़ें रोशन इसी मज़हर की वजह से दिखाई देती है कि रोशनी जो है वो जैसे ही किसी चीज़ पर पड़ती है तो पड़ने के बाद जब वो उसको उसके बाहर इंजज़ाब नहीं कर पाती, तो इंजज़ाब ना करने की वजह से क्या होता है, वो सीधा रिफ्लेक्ट कर देती है दूसरी सिमत में, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें वहाँ से रोशनी टकरा कर दूसरी सिमत की तरफ मुड़ जाती है। तो ये जो मुड़ने का अमल होता है ये इनेताफ और इनेकास का अमल कहलाता है। तो इस तरीके से देखो रोशनी यहाँ पर पड़ी बिल्कुल सीधी सिमत में, रोशनी हमेशा मुस्तकीम में ही सफ़र करती है। तो यहाँ पे सीधी सिमत में पड़ी, अब ये जो है लेसदार पाया है, तो ये लेसदार सतह से इस रोशनी क्या हुई, टकरा कर वापस इनेकास ने दूसरी चीज़ों को ये इनेकास की तरफ लौटा देती है। तो ये एक तरीके का रोशनी का इनेकास होता है। तो यहाँ पे दूसरी तरह की तारीफ़ भी दी गई है, अगर आपको वो तारीफ देखना है तो ये तारीफ़ भी हम देख सकते हैं कि रोशनी जो है तवानाई की एक शक्ल है जो हमें चीज़ों को देखने के लिए काबिल बनाती है। ये मैंने आपको बता दिया, रोशनी का माखज से शुरू होती है और ऐसी चीज़ें वो को उछाल देती है जो हमारी आँखों से समझी जाती है, और हमारा दिमाग इशारे पर अमल करता है जो आखिरकार हमें देखने के काबिल बनाती है। थोड़ी टफ़ तारीफ़ है, जिसे मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको पिछली स्लाइड में समझा दिया कि रोशनी जो है वो हमारी आँखों को तमाम खला के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें वो चीज़ों पर वो बहुत स्पीड से सफ़र करके और वो हमारी आँखों को उन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर देखने का एहसास दिलाती है कि हम फूल देख रहे हैं या सनसेट देख रहे हैं या सीढ़ी पर चमक देख रहे हैं या कौसे कज़ा देख रहे हैं। तो ये तमाम जो अमल होता है ये इनेकास और इनेताफ का अमल होता है। आज के लिए इतना ही, इनेकास और इनेताफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनेकास और इनेताफ रोशनी का समझ में आ गया होगा। कुछ ना समझ में आता है तो आप मुझे ऐसे ही मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं तमाम बातें। और ये आपके लिए बहुत अहम चैप्टर था, तो उम्मीद करती हूँ आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे और इसके सवालात के जवाबात भी नोटबुक में लिख लेना है। अल्लाह हाफिज़।